आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साउथ इंडियन चटनी की रेसिपी। आज हम दो तरह की साउथ इंडियन चटनी बनाकर तैयार करेंगे, नारियल की चटनी और टमाटर की चटनी। ये दोनों ही चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। आज हम ये दोनों चटनी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टमाटर की लाल चटनी बनाना। टमाटर की चटनी बनाने के लिए आपको गैस पर एक पैन रखना है और पैन में 2 चम्मच तेल डालना है। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालें आधा चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग। अब इसमें डालें 2 चम्मच चना की दाल। अब इन सब को आपको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। चना की दाल को लगातार चलाते हुए आपको रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर इसका कलर अच्छा चेंज होने तक इसे हम रोस्ट करेंगे। दाल को लगातार चलाते हुए रोस्ट कीजिए। इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब तक आपको इसे रोस्ट करना है। अब यहाँ पर दाल का कलर चेंज हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। मैंने इसमें 2 प्याज ऐड की हैं, मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिनको रफली चॉप कर लिया है और वो इसमें डाल दी हैं। अब हमें प्याज को भी थोड़ा सा भूनना है, तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसे भी थोड़ा भून लीजिए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे इसे, हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक ही हम इसे भूनेंगे। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो प्याज हैं वो हल्के से भून चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अब टमाटर को अच्छी तरीके से आप मिक्स कीजिए। टमाटर को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 साबुत लाल मिर्च, सूखी वाली साबुत लाल मिर्च ऐड की हैं। अब इसमें जा रहा है आधा चम्मच नमक। नमक को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करें। इस स्टेज पर नमक डालने से ये जो टमाटर और प्याज हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च 2 और ऐड कर दें इसमें, तो तीखा आप अपने अनुसार इसमें बढ़ा सकते हैं। अब इसे कवर करें और 2 से ढाई मिनट तक इसे इसी तरह पकने दें। अब यहाँ पर 2-2.5 मिनट बाद ये आप देख सकते हैं कि जो ये टमाटर और प्याज हैं अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस अब मैंने इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। ये देखिए आसानी से मैश हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट हैं। अब आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। और अब यहाँ पर ये टमाटर प्याज ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इन्हें डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। अब हमें इन्हें पीस कर तैयार करना है, तो ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। अब मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। ये देखिए एकदम फाइन इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसमें पानी नहीं डालना होता है, तो इसमें आप पानी ना डालें। अब इस चटनी में हम लगाएंगे तड़का। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक तड़का पैन रखा है और इसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालें आधा चम्मच राई। अब इसमें जा रही है बिना छिलके वाली 1 चम्मच उड़द की दाल, 7-8 कड़ी पत्ते इसमें ऐड किए हैं और 1 साबुत लाल मिर्च। अब इसे अच्छे से हमें भून लेना है और अब ये हमारा तड़का बनके तैयार हो चुका है। चटनी में तड़का डालने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। इससे अच्छा खट्टा टेस्ट आ जाएगा चटनी में। वैसे तो इस चटनी में इमली का पल्प डाला जाता है, लेकिन मैंने यहाँ नींबू का रस डाला है। अब इसके बाद आप इसमें ये तड़का डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो आप इमली का पल्प या नींबू का रस कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इमली का पल्प जब आप चटनी को पीसें उसी समय मिक्सी के जार में डाल दें और पीस कर तैयार करें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का और ऐड कर दिया है। अब ये हमारी टमाटर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बना लेते हैं दूसरी चटनी, और वो है हमारी नारियल की चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। अब इसमें जा रही है 1 हरी मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि नारियल की चटनी बनाने के लिए आपके पास फ्रेश नारियल हो। इस तरह डेसिकेटेड कोकोनट से भी आप नारियल की चटनी तैयार कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें डाल दिया नमक। और अब इस चटनी को बिना पानी डाले ही एक बार पीस लें। अब यहाँ पर बिना पानी डाले से पीस लिया है, लेकिन ये चटनी अभी काफ़ी गाढ़ी है, तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और इसे फिर से हम पीस लेते हैं। अब ये चटनी मैंने पीस कर तैयार कर ली है, तो इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी चटनी बनके तैयार हुई है। तो अब इसे आप एक बाउल में निकाल लीजिए और इसमें हम एक लगाएंगे तड़का। तो गैस पर रखें तड़का पैन और इसमें डालें एक चम्मच ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डालें आधा चम्मच राई। राई के तड़कने के बाद इसमें जा रही है एक चम्मच चना की दाल और एक चम्मच ही इसमें जाएगी उड़द की बिना छिलके वाली दाल। और इसमें जा रही है 2 पिंच हींग और इसके साथ ही एक साबुत लाल मिर्च और 10-12 कड़ी पत्ते। अब इस सबको अच्छी तरीके से आपको भून लेना है। गैस का फ्लेम लो रखें और लो फ्लेम पर इस तड़का को अच्छी तरीके से तैयार करें। दाल का कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। अब ये तड़का तैयार हो चुका है तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इस तड़का को आपको चटनी के अंदर डाल देना है। मैंने चटनी को पीसते समय इसमें दही ऐड किया था। अगर आप चटनी में दही नहीं डाल रहे हैं तो आप इसको पीसते समय इसमें इमली का पल्प या फिर नींबू का रस डाल दें तो भी चटनी अच्छी बनेगी। अब ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। आपको ये दोनों चटनी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये दोनों चटनी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।